वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। क्या हो गया? आप भी करियो मुझसे है? आप भी करियो मुझसे। क्या कह रही हूँ मैं? मुझे साथ करनी तुमसे। तुम्हारी डेटी बेटी भी नहीं कोई शादी तो अभी थोड़ी होगी। अभी तो इससे पहले मैं कुछ और तेजी से बात कर रही थी। यार तुमने डायरेक्टली क्या किया? तुमने क्या कहा? मैंने तुमने ये नहीं कहा कि गोली मार दूंगा मैं? और मार दूंगा। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। गोली मार दूंगा अगर मेरी ना हुई तो, ये अल्फाज हैं उस सिरफिरे युवक के ताबूत किट्टू के, जिसकी हरकतों के चलते इकरा से उसका रिश्ता तोड़ दिया गया था। नशेड़ी मंगेतर की बात पर क्या यकीन किया जाए, ये सोचकर सभी ने उसे बेहद हल्के में ले लिया था। लेकिन अपमान का घूंट पिए हुए किताब ने मौका पाकर गले में आसपास उस तरह से हमला कर इकरा को मौत के घाट उतारने की कोशिश की। गंभीर रूप से जख्मी युवती समय पर इलाज मिलने के कारण बच जरूर गई, लेकिन सिरफिरे ने कहते हुए फिर दोहराया है कि एक बार तो तू बच गई लेकिन इस बार नहीं बची। ये वारदात हुई है मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के बंगला एरिया निवासी इकरा के साथ। करीब 2 साल पहले उसका रेलवे रोड निवासी किताब से रिश्ता हुआ था। नशे की आदत में चलते हुए घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था। इसे किताब परेशान था। इकरा की बहन से मोबाइल पर हुई बातचीत में उसने दोहराया कि वह इकरा को गोली मार देगा। सुनिए। गोली मार दूंगा मैं। और मार दूंगा। क्यों? और जो चीज मेरी है मैं सो होने भी देना युवराज में किसी। जब है ना अभी शादी में आए तो इन्होंने खाम खाए में गोली मारनी। और शादी नहीं करनी क्या तुम्हें? करने तो फिर क्यों ऐसी ऐसी बातें करते हो? गोली मार दूंगा, ये मार दूंगा। इंसा बोल रही थी? हाँ मैं बोल रही हूँ। अपनी बहन से पूछो कैसी कैसी उल्टी बात करती है मुझसे, पूछो अपनी बहन से। इसके बाद इकरा ने बात की तो उसे भी यही दोहराया। क्या बोला? क्या बोला था अभी? क्या बोला आप बताओ? क्या बोला आप बताओ ना? क्या बोला आप बताओ ना? गोली मारने को? हाँ गोली मारोगे मेरे? और क्या? कहाँ पर? जिस तुम शादी में जाओगी। जब मैं शादी में जाऊंगी? क्यों गोली क्यों लगेगी मेरे, क्यों मारोगे? तो मुझसे रहन नहीं। अच्छी है। इस बारे में अमीर बानो ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? अमीर बानो। अमीर बानो, बच्ची के साथ में आज क्या गड्ढा कराऊंगा, क्या है पूरा मामला? मतलब है नहीं, वो 30 तारीख को हमने है नहीं रिश्ता खत्म कर दिया इसका। अच्छा। चरस वरस पीता था, गांजा पीता था, फीम पीता था, शराब पीता था, गुटखा के ये करता था। अभी लड़की भी खिलाफ थी कि मुझे शादी के बाद ये नहीं मारा का छेता का धमकी देता था। ये कहता था कि है नहीं गोली मार दूंगा, गोली की धमकी देके गया था 30 तारीख को। अच्छा। कि तेरा गोली मार दूंगा 30 तारीख को, जब हमने कह गया कि तेरा गोली मार दूंगा, तो इस बिना पे हमने है नहीं रिश्ता खत्म कर दिया। जब ये अभी कह रहा तो शादी के बाद कर सकता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम कहताब है और कहते हैं किट्टू उसको। अच्छा, किसका लड़का है? लड़का है उसका तालीम का। अच्छा, कहाँ रहते हैं लोग? ये रहते हैं उधर, क्या नाम है, बेगम वाली गली में। इनका पूरा परिवार वही रहता है। तो अब क्या घटनाक्रम करा था? अब जो घटनाक्रम ये करा, जो हमने रिश्ता खत्म कर दिया तो वो घर पर आ गया। ये थी लड़की, एकली सी, तबीयत खराब हो रही थी। बस जाके चढ़ के उसने गर्दन ही काट दी, जो वो कहता था। क्या था उसके हाथ? वो था उसके हाथ में ही नहीं, वो था उस तरह से काटी गर्दन इसकी। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ पुलिस को सूचना दी हमने। तो डॉक्टरी कराई पुलिस ने? डॉक्टरी कराई, हम वहाँ ले गए थे प्यारे लाल, वहाँ डॉक्टरी कराई। मगर अब इसका है नहीं प्राइवेट में वो करा रहे हम, क्योंकि है नहीं इससे खाया नहीं जा रहा, इससे पिया नहीं जा रहा, गले से कुछ उतर नहीं रहा इसके बिल्कुल भी कुछ भी, इसलिए। और अब फिर उसने धमकी का वो भेजा कि इसको फिर है नहीं, ये नसीब वाली थी बच गई, और इसको है नहीं मैं मारूंगा जरूर। हाँ, आज का टाइम है इसके लिए। वहीं एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह कहा। सर, सदर बाजार में एक मामला सामने आया जहाँ एक मंगेतर ने अपनी जो शादी टूटने के बाद युवती का गला काटा है, उसने तहरीर दी, क्या पूरा मामला, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, तहरीर के अनुसार गला काटने की ऐसी कोई बात उसमें अंकित नहीं है।
कल थाना सदर बाजार पे एक महिला के द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गई है कि एक युवक के साथ उसकी सगाई तय हुई थी, युवक के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण किया गया है, बाकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, क्या मंगेतर को गिरफ्तार किया गया? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।